thank you सो हेलो एवरीवन फाइनली आपकी एस एस सी पे दो की वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं है ना और ये हमें पहले ही पता चल रहा था कि जैसे ही एस ने इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था उस टाइम पे हमें एक आइडिया लग रहा था कि क्यों एस इतने सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करिए उसका रीज़न वैलिड रीज़न था कि आपको उन्हें भी पता था वैकेंसीज आपकी आगे जाके इंक्रीज़ होंगी है ठीक है तो वैकेंसी देखेंगे अभी एक्सपेक्टेड कितनी है और कितनी और बढ़ सकती हैं ये भी चीज़ देखेंगे शेड्यूल देख लेंगे और फ़िज़िकल का डेट भी देख लेंगे एक बार है ना वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके जो सी के फिज़िकल है वो अक्टूबर में नहीं होने हैं इसके 95 फाइव परसेंट चांसेस चले एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले वैकेंसी देखते हैं देखो अभी करेंटली वैकेंसी हमारी फोर वन एट सेवन है सॉरी वैकेंसीज़ हमारी फोर वन एट सेवन है ठीक है अभी जो करेंटली हमारी चल रही है अभी क्या हुआ है देखो जो हमारी सी ए पी एफ फोर्सेज हैं वो एक तरह का ट्रेनिंग शेड्यूल्स निकालती हैं उस ट्रेनिंग शेड्यूल्स में क्या होता है एक तरह का नंबर ऑफ़ डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं नंबर ऑफ़ सोल्जर्स वगैरह दिखाते हैं कि कितने को ट्रेनिंग उस नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट सेवन एट मंथ में ट्रेनिंग होगी उस सेंटर में अलॉट किया जाता है ठीक है तो इसी सी ए पी एफ फोर्स में अभी हमारी सी आई एस एफ और सी आर पी एफ दोनों के कैलेंडर रिलीज हो गए हैं ये ऑफिशियली नहीं आते ऑफिशियली तो आपको बाद में पता चलेगा ये है ना जो जो सी आई एस एफ है जो अभी आप वैकेंसी देख लें फोर्टीन थर्टी सेवन और वन सिक्सटी ये टोटल वैकेंसीज तो है तो कितनी हो गई है फोर्टीन नाइन्टी सेवन ठीक है सॉरी फिफ्टीन नाइन्टी सेवन फिफ्टीन नाइन्टी सेवन जो आपकी सी की वैकेंसी है जो सी आर पी एफ़ की वैकेंसी हैं ये ग्यारह सौ तेरह और फिफ्टी नाइन ये कितने हो गए ग्यारह सौ बहत्तर तो ये दोनों वैकेंसीज इंक्रीज़ करके अभी जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग इसमें पाँच सौ की बढ़ोतरी हुई है एंड ये टू जीरो नाइन सेवन आपकी अभी फाइनल वैकेंसी हो रही है ठीक है जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स में शो किया जा रहा है एंड जो ग्यारह है इसमें आठ वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं तो ये वन आपकी टोटल वो वैकेंसीज हुई हैं ठीक है तो अभी करंटली देखो अभी देखो सी और सी का मैं पता चल गया आई का मुझे कम लगता है कि आई टी इंक्रीज़ होगा गया एस में भी बहुत कम है है ना बी में मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि बी की जो आपकी वैकेंसी हैं ये भी बहुत इंक्रीज़ होंगी दिस विल्सो इंक्रीज़ हंड्रेड परसेंट चांस है कि ये जो आपकी बी एस एफ की वैकेंसीज है ये बहुत कम है ये भी बहुत इंक्रीज़ होंगी आपकी है ना दिल्ली पुलिस में भी शायद हो सकती है बट इतना चांस नहीं है बट जो बी एस एफ अभी इसका जब ट्रेनिंग शेड्यूल आएगा हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैकेंसीज आपकी बहुत इंक्रीज़ होंगी तो ना हंड्रेड परसेंट चांस है आपकी बी एस एफ की वैकेंसीज़ और इंक्रीज होंगी तो अभी जो तेरह सौ वैकेंसी हमें लग रहा है है ना कितनी वैकेंसी थी हमारी फोर वन एट सेवन वेकेंसी थी ये इंक्रीज़ होकर अभी हमारी हो गई फाइव फोर एट सेवन वैंसी ठीक है फाइनल अभी करेंटली ये चल रही है इसमें बी की ज़रूर इंक्रीज़ होगी बाकी आई टी बी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है दिल्ली पुलिस में भी थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है तो ये जो आपकी फाइव है ये आगे जाके छः से भी ज़्यादा क्रॉस करने के बहुत सारे चांस है बहुत ज़्यादा चांस है इसके ठीक है तो जितने लोगों ने क्वालिफाई किया भाई उनके लिए गोल्डन चांस रह गई है ना बहुत अच्छी वैकेंसी आई है आपके लिए एंड फिज़िकल में लगे रही है ना एक बार मैं आपको बता देता हूँ पहले शेड्यूल देख लो जैसे सी के एग्जाम्स हमारे अभी चल रहे हैं इसके बाद देन एम के हैं लाइन में है ना इस के हैं अक्टूबर इसके कन्फर्म डेट आ गई है उस टाइम पे नहीं आई थी फोर्टीन या फिफ्टीन अक्टूबर के हैं है ना देन जेई का छः नंबर को सिंगल शिफ्ट देन जीडी का फिजिकल डेट जो हमारी ये इंपॉर्टेंट है तेईस सितंबर से आठ नंबर है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ है ना हमने ये भी देखा था फिजिकल शेड्यूल देखा था एसएससी जीडी का उस टाइम में मैंने बताया भी था एसएससी फास्ट फोकस मोड में चल रही है जीडी को लेके क्योंकि इसको दिसंबर में ये कंप्लीट करनी है ठीक है कंप्लीट इसमें मेरिट लिस्ट ही आएगी अब डायरेक्ट फिजिकल मेडिकल सब कुछ करवा के लोग फाइनल सिलेक्शन दे देंगे इन लोगों को तो ये फास्ट फोकस मोड में है, और एक सौ पाँच सेंटर ऐसे हैं डिप्लॉय किए गए हैं पी सेंटर तो इतने भाई डिप्लॉय करना सी ए फोर्सेस को और उसके साथ फिर पी का भी कराना मैंने पहले बताया था ये पॉसिबल नहीं है ठीक है इसके लिए मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि पॉसिबल बहुत रेयर चांस है कि अक्टूबर में आपका फिज़िकल होगा हाँ सात आठ नवंबर से ही आपके तुरंत फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं इसके पूरे चांस है आठ नवंबर से बाद आप, आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो ये कम्प्लीट है ठीक है एंड देन ये मैंने आपको प्रीवियस एक ट्रेंड सिखाया था है ना कि इसमें कितने कितने गैप थे ये सब मैंने आपको बताया था एंड इसमें ही मैंने बता दिया था कि आठ नंबर के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसमें एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि जो पेपर टू है ना ये ये पूरी पॉसिबिलिटी है जनवरी करवाने की क्यों क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना सी आई एस एफ और सी आर पी एफ इसमें जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी मार्च अप्रैल में, में स्टार्ट होने का मतलब है एस को पेपर टू करा के मेडिकल करा के देन फाइनल सिलेक्शन भी देना है तो ये सब अगर जनवरी में कराएगी तब जाके मार्च अप्रैल में आपके फाइनल सिलेक्शन करके आप ट्रेनिंग में जा सकते हो ठीक है वैसे तो ये चांसेस हैं कि आगे बढ़ जाए है ना ट्रेनिंग शेड्यूल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये एमेंट होते रहते हैं तो इससे लेके नहीं बट बहुत ज़्यादा चांस है पॉसिबिलिटी है कि आपके जनवरी में आपके पेपर टू भी हो जाएगा तो बहुत फास्ट फोकस में होगा ये जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके बाद आपको जनवरी में पेपर टू देना पड़ेगा तो फिजिकल अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है है ना फिज़िकल में फोकस करिए बाकी सब मैंने बता दिया फिजिकल में फोकस करिए भाई है ना पहले जिसका सी का भी शिफ्ट बचे हैं वो सी पे फोकस करो सी का एग्जाम प्रॉपर दो उसके बाद फिजिकल में लग जाओ है ना फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा भाई आपको नवंबर में आपका हो जाएगा उसके बाद जाके आप सी जो टायर टू है उसमें भी लग जाओगे मेन में एन टी पी सी है उसमें भी लग सकते हो और जो हमारा इसका है, है ना एस एस सी पेपर टू जो होगा जनवरी में उसमें भी लग सकते हो तो फिजिकल अभी प्रायोरिटी में रख सकते हो जिसका सी हो गया होगा ठीक है बाकी तैयारी करते रहो है ना और कुछ क्वेश्चंस हो या फिर कुछ हो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ वैकेंसीज इंक्लूड होगी तो मैं आपको बता दूंगा है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो आपको बता देंगे कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू